रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल का इंतजार दर्शकों के बीच में काफी समय से था, लेकिन अब मेकर्स एक के बाद एक अपडेट रिवील कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहले वो रिवील कर रहे हैं सभी के फर्स्ट लुक, यानी कि जितने भी एक्टर्स इस फिल्म का अहम हिस्सा है उनके फर्स्ट लुक रिवील किए जा रहे हैं, जिसमें हमने रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना का लुक तो देख ही लिया था, लेकिन अब फाइनली बॉबी देओल का लुक भी सामने आ चुका है। लेकिन बॉबी देओल का ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉबी देओल किसी को चुप करा रहे हैं अपने मुंह पर उंगली रखकर, और उनका जो मुंह है वो सना हुआ है, उनका पूरा फेस खून से, इनफैक्ट उनके कपड़े भी खून से सने हुए हैं, उन पर खून के छींटे हैं। ये छींटे किसके हैं, क्या कुछ उनका कैरेक्टर होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि टीज़र भी इस फिल्म का बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, 28 सितंबर को फिल्म एनिमल का टीज़र सुबह 10 बजे हमें देखने को मिलेगा। संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म को किया है डायरेक्ट, और यहाँ पर जो है रणबीर कपूर एक बार फिर से दर्शकों के बीच में आग लगाने के लिए तैयार हैं फिल्म एनिमल के ज़रिए। फिल्म एनिमल के ज़रिए रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर साथ में पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, और ये जो लुक शेयर किया गया है बॉबी देओल के द्वारा, इसमें उन्होंने लिखा है एनिमल का एनिमी, यानी कि ये दुश्मन है, एक विलन है इस फिल्म में, और यहाँ पर बॉबी देओल को ऐसे कैरेक्टर में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।